हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आइए बात करेंगे। ब्रैडकॉम ग्रुप का एक नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, जो कि 25 मार्च को आया है। अब ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि ये नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट शेयर पे कुछ गलत निगेटिव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और ये जो न्यूज़ है इसका कनेक्शन कुछ फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड है या नहीं है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट, ये भी आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि इसका, ये जो न्यूज़ है इसका शेयर के मूवमेंट पे नो इम्पैक्ट रहेगा कि कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक में, ये भी आप ज़रूर बताना। बिकॉज हर एक न्यूज़ जो होती है उसका मतलब निकालने वाले अलग अलग लोग होते हैं, हर एक का अपना अपना परसेप्शन और थिंकिंग प्रोसेस होता है कि ये न्यूज़ से आप क्या जजमेंट करते हो, वो अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, दैट यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू कमेंट कि इसमें कुछ बैड न्यूज़ है कि देर इज़ नो न्यूज़, नो नॉर्मल चीज़ है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग बैड इन दिस न्यूज़, ये आपको बताना है। और मैं भी आपको बताऊँगा कि मेरा ओपिनियन क्या है। उसके अलावा मैं बोनस का जो कन्फ्यूजन अभी भी काफ़ी लोगों को काफ़ी सवाल है, तो उसका सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा मैं बोनस के बारे में, सब सवालों के जवाब फिर से बताऊँगा, सो दैट पीपल डोंट गेट पैनिक, बिकॉज काफ़ी लोगों को बोनस नहीं मिला है एंड पीपल में, लोगों में काफ़ी एंग्जाइटी और पैनिकनेस है, उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, कंपनी ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि कंपनी के जो CFO थे, CFO मतलब कौन होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO मतलब कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि खुद मिस्टर सुरेश रेड्डी है, CEO एंड MD ऑफ द कंपनी इज मिस्टर सुरेश रेड्डी। वैसे ही CEO के बाद में जो एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है कंपनी में, जो पूरा फाइनेंसिंग अकाउंटिंग पूरा देखता है कंपनी का, ऑडिट है, फाइनेंस प्लानिंग है, कंपनी का जो भी पैसे आने वाले हैं जाने वाले हैं उसका पूरा जो लेखा जोखा या जो भी पूरा मैनेजमेंट देखता है कंपनी का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट होती है कंपनी में, वो होती है CFO की आफ्टर CEO, या ऑलमोस्ट इक्वली कहा जाती है पोस्ट को। तो जो CFO थे कंपनी के, मिस्टर येपुरी श्रीनिवास राव, उनका रिटायरमेंट हो गया है कंपनी से, इस बारे में कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया है। कंपनी ने जो कहा है, उन्होंने यूज़ किया है वर्ड विल रिटायर फ्रॉम द सर्विसेज ड्यू टू सुपर एन्यूटी टर्म कंप्लीटेड ऑन March 25, 2022, मतलब इनका जो कार्यकाल है सर्विस करने का वो March 25 को ख़त्म हो रहा है, जो कि वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं लास्ट 21 ईयर्स से, 21 साल से वो जुड़े हुए हैं कंपनी से, और वो कंपनी से अभी रिटायर हो रहे हैं, इसके बारे में कंपनी ने नोटिफिकेशन में बताया है। अब सवाल ये आता है कि ये सुपर एन्युएशन मतलब क्या होता है, ये भी आपको समझाऊंगा मैं, बिकॉज रिटायरमेंट में और सुपर एन्युएशन में काफ़ी फ़र्क है, और रिजिग्नेशन में भी फ़र्क है। तीन तरह के टर्म्स में कंपनी से कोई भी, फोर टाइप्स के जो होते हैं टर्म्स, उसमें से कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के बाहर जाता है, एक तो कंपनी में से किसी को निकाला जाता है उसको बोलते हैं ही हैज़ बीन फायर्ड, मतलब उसको कंपनी में से निकाला गया है। दूसरा है रिजिग्नेशन, कंपनी में से किसी ने इस्तीफा दिया है वो होता है रिजिग्नेशन देना। तीसरा होता है रिटायरमेंट, और चौथा होता है सुपर एन्युएशन। तो मिस्टर राव का सुपर एन्युएशन हुआ है, मतलब सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट हुआ है, मतलब क्या हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। फ्रेंड्स, का इस लेटर में मिस्टर राव ने कहा है कि मिस्टर सुरेश रेड्डी ने कहा है कि मिस्टर राव हैज़ वर्क विथ अस, वो उन्होंने 21 साल तक 21 ईयर्स तक कंपनी में काम किया, उनके हम शुक्रगुजार हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कंपनी के ग्रोथ के लिए, और हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं, मतलब उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं फॉर देयर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड जर्नी। एंड मिस्टर इसका जवाब देते हुए मिस्टर श्रीनिवास राव ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने इतनी अच्छी कंपनी में काम किया है, आई एम हैप्पी दैट आई हैव सर्व इन दिस कंपनी फॉर 21 ईयर्स, एंड एज बिकॉज ऑफ माई एज एंड नाउ आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, मैं इस कंपनी में से जा रहा हूँ, बट मेरी शुभकामनाएं, मेरे गुड विशेष कंपनी के साथ हमेशा बने रहेंगे, ऐसा भी उन्होंने जवाब में कहा है। तो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, कोई भी कंपनी से कोई सीनियर मैनेजमेंट का पर्सन जाता है जो कि बहुत साल कंपनी के साथ जुड़ा होता है, तो मैनेजमेंट भी उसे एक थैंक यू बोलती है, और इवन जो छोड़ के जाता है या जो रिटायर होता है वो भी, ये तो नेचुरल एक प्रोफेशनल मैनरिज्म बोलते हैं इसको,
वो हिसाब से दोनों का हुआ है, वो ठीक है। अब सवाल यह आता है कि इसका इसका जो अभी देखिए अभी फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है कंपनी में, आप सब जानते हो, तो कुछ लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं कि अभी फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा था और अभी ही CFO जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है फॉरेंसिक ऑडिट के हिसाब से, उन्होंने कंपनी में से जाना क्यों चाहिए। तो पहली बात है उनको निकाला गया कंपनी में से, नहीं निकाला गया है। दूसरा, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है क्या, मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया है क्या, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने जो हुआ है उनके साथ में वो हुआ है सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन कब होता है फ्रेंड्स, जब एक एज बार हो जाता है कंपनी के काम करने का, मतलब आपकी एज पूरी हो गई तो आप रिटायर हो जाएंगे। कोई लोग VRS लेते हैं, VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, तो उसको बोलते हैं VRS। तो उन्होंने VRS भी नहीं लिया है, VRS भी ले सकते थे वो, बट उनका सुपर एनुएशन हुआ है। तो सुपर एनुएशन मतलब क्या होता है कि वो अपना एज का, मतलब उन्होंने पूरा काम किया है और उनका भी एज बार हो गया है कंपनी में काम करने के लिए, मतलब उनकी उम्र हो चुकी है जिसके कारण वो आगे फर्दर काम नहीं कर सकते लीगली। ही में ज्वाइन एज अ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलो या कंपनी के लिए कंसल्टेंट या एडवाइज़र बोल के ज़रूर काम कर सकेंगे, बट एक जो एक ऑफिशियल या एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है कंपनी की, उसका उसके लिए वो अभी उनकी एज बार हो चुकी है और वो सुपर एनुएशन में रिटायर हो रहे हैं। मतलब क्या है, नॉर्मल रिटायरमेंट में क्या होता है, बहुत बार पेंशन वगैरह के लिए लायबल नहीं होता है कोई इंसान, क्योंकि टू क्लेम द पेंशन एंड अदर फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट द पर्सन हैज़ टू सर्व फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कुछ पर्टिकुलर साल के लिए कंपनी में काम करना पड़ता है जब भी ये चीज़ों के उनको बेनिफिट मिलते हैं। तो सुपर एनुएशन में रिटायरमेंट होना इसका मतलब ये होता है कि उनको उनका फुल सर्विस के जो भी बेनिफिट्स है आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे कि पेंशन है, बाकी जो PF है, ESI के जो बेनिफिट्स है, वो टोटल उनको मिलेंगे। मतलब उनका ये जो जाना है ये कोई ज़बरदस्ती का नहीं है, नॉट फ्रॉम मैनेजमेंट साइड और ना ही एम्प्लॉय साइड, मतलब उनके तरफ से भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिज़ाइन किया है बिकॉज ऑफ सम मैटर। उनका टर्म पूरा हो चुका है, उनका मतलब 25 मार्च को हो सकता है उनका जो भी एज बार होगा वो पूरा हो चुका है, इसीलिए विथ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी इज रिटायरिंग फ्रॉम द कंपनी विथ ऑनर एंड विथ डिग्निटी। तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जो फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा था उसके कारण ही रिटायर हुए हैं, ये आपको डिसाइड करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट से कुछ कनेक्शन है क्या। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि कंपनी ने ऐसा भी अगर वर्ड यूज़ किया होता रिटायरमेंट, तो कंपनी ने रिटायरमेंट ही आज रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विसेज ने लिखा है, सुपर एनुएशन ये पर्टिकुलर उन्होंने टेक्निकल वर्ड यूज़ किया है, वो बताना चाहते हैं सुपर एनुएशन वर्ड यूज़ करके कि उनका टर्म पूरा हो चुका था एज पर लॉ एंड दैट्स वाई ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द कंपनी एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर निगेटिव और अदर फैक्टर विच हैज फोर्स हिम टू गो फ्रॉम द कंपनी। ऐसा कंपनी ने बताने का कोशिश किया है बाई यूजिंग द टर्म सुपर एनुएशन। तो फ्रेंड्स, लेट्स होप कि इसका कोई गलत इम्पैक्ट शेयर के ऊपर नहीं पड़ेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, अब इसका इम्पैक्ट कोई निगेटिव आता है क्या मार्केट में, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स काफ़ी लोग निगेटिव और रूमर्स भी फैलाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि उसका इम्पैक्ट कोई इन्वेस्टर्स पे पड़े और वो डर के मारे बेच दे, तो मंडे को इसका इस खबर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये हम लोग ज़रूर देखेंगे। बट होपफुली ऐसा कुछ इसका गलत निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने क्लियर कट कहा है कि उनका टर्म पूरा हो चुका था तो वो सुपर एनुएशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई निगेटिव तो नहीं दिख रहा है अभी। तो कंपनी ने ये भी कहा है कि नए CFO की अपॉइंटमेंट वो अप्रैल में करेंगे, आने वाले अप्रैल में, जो कि आप जानते हैं मार्च में अभी 4-5 days ही बचे हैं, तो डेफिनेटली अप्रैल में वो लोग नए CFO को अपॉइंट करेंगे और वैसे उसके बारे में वो इंटीमेशन एक्सचेंज को करेंगे, एक्सचेंज के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। एज वी ऑल नो दैट ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर इज गोइंग इन अपर सर्किट नॉन स्टॉप, तो लेट्स होप कि नेक्स्ट वीक में ही अपर सर्किट में ही जाए और बाकी जो कंडीशन है मार्केट की वगैरह वो फेवरेबल रही, तो इसमें अपर सर्किट का दो रुकेगा नहीं, बट कुछ बाकी फैक्टर्स के कारण गिरता है तो बोल नहीं सकते हैं, बट लेट्स होप कि अभी ऐसा कुछ होगा नहीं और शेयर अपर सर्किट में जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, नेक्स्ट वीक में करेक्शन आएगा या अपर सर्किट में जाएगा ये भी आप बताना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस नोटिफिकेशन एंड प्लीज़ गिव योर ओपिनियन अबाउट द सेम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।